Hello children, how are you? Fine. Okay. Now, first of all, students, tomorrow will be 14th February. We celebrate, means our school celebrate this day as a Annapurna Day. Annapurna Devi. So the gratitude towards the Devi of Annapurna, one name of the goddess. Goddess of Parvati, and goddess Parvati is the wife of Shiva, and who feed the whole universe. So dear students, you can also serve the food in your surrounding, and जिसको भी जरूरत है आप उन सबको फूड प्रोवाइड कर सकते हो, दान पुण्य आप कर सकते हो. दिस ईयर वी आल्सो सेलिब्रेट दिस डे एंड 16 फेब्रुवरी विल बी वसंत पंचमी. दैट डे मतलब वो दिन किसका दिन होता है? हमारी विद्या की देवी सरस्वती देवी, गॉडेस सरस्वती. और उस दिन हमारे स्कूल में भी वो भी हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं. सरस्वती माता के मंदिर जो है हमारे स्कूल में, वहाँ पे हम गॉडेस सरस्वती की पूजा करते हैं. येल्लो फ्लावर और येल्लो राइस वो सब लेके येल्लो चीज से हम करते हैं. तो आपको भी घर पे उस दिन मतलब ये दिन सरस्वती माता की पूजा करनी है. सुबह उठकर अपने जो भी बुक्स है, नोट्स है, पेंसिल इरेजर, अपना जो भी पढ़ाई का सामान है, वो उन सब की आपको पूजा करनी है. और हो सके तो एक माला मतलब 108 टाइम आप ओम एम सरस्वती नमः का श्लोक मतलब बोलकर माता की आराधना कर सकते हो. और माता सरस्वती माता को बोलना कि हमें अच्छे से पढ़ाई हम सब कर सके, और माता का आशीर्वाद लेना सरस्वती माता का. राइट, नाउ लेट्स वी स्टार्ट चैप्टर 12. कैन वी शेयर कंटिन्यू पार्ट 3. टुडे वी आर गोइंग टू सी डिवीजन इन द फॉर्म ऑफ रिपीटेटिव सब्स्ट्रैक्शन. चिल्ड्रन, डिवीजन मीन्स रिपीटेटिव सब्स्ट्रैक्शन, एंड मल्टीप्लीकेशन मीन्स रिपीटेटिव एडिशन. सब्स्ट्रैक्शन जो है, डिवीजन जो है, वो वन टाइप ऑफ सब्स्ट्रैक्शन है. और मल्टीप्लीकेशन में जैसे कि 5 2 10 मीन्स क्या हुआ? 5 + 5 = 10 मीन्स क्या हुआ? रिपीटेटिव एडिशन हुआ. राइट, बट डिवीजन में जो है वो क्या होगा? रिपीटेटिव सब्स्ट्रैक्शन होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी 10 डिवाइड, दिस इज द सिंबल ऑफ डिवीजन. 10 divided by 2 = 5. आंसर 5 है. कैसे आया? 5 2 10. हैंस ब्लैंक कैन बी सब्स्ट्रैक्टेड ब्लैंक टाइम्स फ्रॉम ब्लैंक. Now we will fill the blanks. But first of all, how to do? 10 divide 2 means करना क्या है? 10 में से 2 को divide करना है. But subtraction के हिसाब से करना है, तो 10 में से 2 को हम subtract करते जाएंगे. तो first of all 10 - 2, answer is a 8. Then 8 - 2, answer is 6. Then 6 - 2, answer is 4. And 4 - 2, answer is 2. And 2 - 2, 0. कब तक सब्स्ट्रैक्शन करना है? टिल 0. जब तक आंसर 0 ना आए तब तक आपको सब्स्ट्रैक्शन करना है. हाउ मेनी टाइम? 1 टाइम, 2 टाइम, then 3 times, then 4 times, and 5 times. कितनी बार? 10 में से 2 कितनी बार सब्ट्रैक्ट हुआ? 1 2 3 4 and 5. सो हियर आंसर क्या आया? 5 times आया. सो यहाँ पे 2 कैसे लिखेंगे? 2 can be subtracted 5 times
from 10. Understand? Now 18 divide 3. 18 divide 3 means 18 में से 3 को सबट्रैक्ट करना है. So 18 minus 3 तो क्या आएगा? 15. Now 15 minus 3. 3 15 में से 3 जाएगा तो 12. Then 12 minus 3 9. 9 minus 3 6. 6 minus 3 3 and 3 minus 3 0. How many times subtraction? 1, 2, 3, 4, 5 and 6 times. Understand? So, hence 3 can be subtracted 6 times from 18. Understand? कितनी बार माइनस हुआ? 18 में से 3 हमने माइनस किया, कितनी बार किया? 6 times. अगर आप देखें तो क्या होगा? 3 6 का 18. 3 3 का टेबल बोलना पड़ेगा. अप टू कहां तक बोलना पड़ेगा? 18 तक. तो 3 6 का 18 मींस 3 जो है वो 6 टाइम 18 में से सबट्रैक्ट कर सकते हो. नाउ 20 डिवाइड 4. 20 डिवाइड 4. सो 20 माइनस 4 16. 16 माइनस 4 6 में से 4 जाएगा 12. 12 माइनस 4 12 में से 4 जाएगा क्या रहेगा? 14. Then 8 minus 4 4 and 4 minus 4 0. So 1 time, 2 time, 3 time, 4 time and 5 time. So here hence 4 can be subtracted 5 times from 20. अब ये आपको डायरेक्ट लिखना है. कैसे करोगे? 30 डिवाइड 6 इज इक्वल टू 5 मींस क्या हुआ? 6 कैन बी सबट्रैक्टेड 5 टाइम्स फ्रॉम 30. समझ में आया? हाउ टू राइट 6 कैन बी 6 कैन बी सबट्रैक्टेड 5 टाइम्स फ्रॉम 30. नाउ 21 डिवाइड 7 इज इक्वल टू 3. 21 20 में से 7 जाएंगे कितना रहेगा? 14. 14 माइनस 7 7 एंड 7 माइनस 7 0. हाउ मेनी टाइम्स? 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम. 3 टाइम्स हुआ. हैंस 7 कैन बी सबट्रैक्टेड 3 times from 21. Understand children? Now, उससे different से. Means पहले ये question दिया था, जो answer दिया था, ये solve किया. Now, उल्टा करना है. How many times can 6 be subtracted from 18? अब 18 में से 6 कितनी बार सब्सट्रेट हो सकता है? तो 88 में से 6 आएगा 12. 12 minus 6 6 and 6 minus 6 0. So how many times? 1, 2, 3 times. So यहां पे 3 times. And how to write? 18 divide 6 is equal to 3. How many times can 6 be subtracted from 18? Answer is 3 times. And how to write? 18 divide 6 is equal to 3. Now, how many times can 8 be subtracted from 16? Ab 16 mein se 8 jo hai, wo kitni baar aap subtract kar paoge? तो 16 minus 8 is equal to 8. 8 minus 8 is equal to 0. 1 time and 2 times. So here answer is a 2 times. And
divide 8 is equal to 2 times. Understand? Now, third number. How many times can 7 be subtracted from 35? Direct अब समझ में आए तो 7 5 35 टेबल आते होंगे तो जल्दी आ गए. यहाँ पे भी 18 है तो 18 का 8 का टेबल बोलो. 8 2 16 मीन्स 8 को 2 टाइम लोगे तो 16 हो जाएगा. सो 16 में से 8 को हम कितनी बार माइनस कर पाएंगे? 2 टाइम. इस तरह से यहाँ पे भी 18 है 6 है तो 6 3 18 राइट. तो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं. हाउ मेनी टाइम्स कैन 7 बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 35? सो 35 माइनस 7 करना है तो क्या आएगा? 28. 28 माइनस 7 21. देन 21 माइनस 7 बोलो कितना आएगा? बोलो 14. 14 माइनस 7 7 एंड 7 माइनस 7 0. सो 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम एंड 5 टाइम. सो हियर 5 टाइम्स 7 5 35. सो हियर हाउ टू राइट? हैंस 35 डिवाइड 7 इज इक्वल टू 5. अंडरस्टैंड चिल्ड्रन? तो इस तरह से सब्ट्रैक्शन डिवीजन मींस रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ होगा. बाय बाय.